नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को तो हैप्पी न्यू ईयर 2021 शुरू हो चुका है। और आप ये जो वीडियो देख रहे हो वो हमारे चैनल का 2021 का सबसे पहला वीडियो होगा। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप इधर वाइट बोर्ड पर देख रहे हो कि उसी प्रकार सीरीज 4 लिखा हुआ है सिविल एयरक्राफ्ट। जी हाँ, तो आपने अगर मेरे चैनल का सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल के वीडियोज़ आगे के देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने 3 सीरीज स्टार्ट की थी। जो पहली थी एयरपोर्ट सीरीज, एयरपोर्ट स्टोरीज के बारे में, वो भी चल रही है, उसका एक ही वीडियो है, उसका वीडियो भी आगे आएगा। दूसरी थी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो उसके 10 वीडियो थे, वो ख़त्म हो चुकी है। और तीसरी जो थी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जिसका भी वीडियो 3 ही अभी अपलोड हुआ है, दूसरा भी आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। और ये है चौथी सीरीज सिविल एयरक्राफ्ट, जिसमें आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सभी ने कभी ना कभी एयरक्राफ्ट यानी कि एयर ट्रैवल किया ही होगा, तो पैसेंजर वाले जो एयरक्राफ्ट है उसके बारे में हम इस सीरीज़ में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1, मैकडोनल्ड डुगलास। तो दोस्तों, अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट के जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उनमें से 2-3 के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि एयरबस हो गया, बोइंग हो गया, एंटोनो हो गया, बॉम्बार्डियर हो गया, ATR हो गया। वो सब जो सिविल एयरक्राफ्ट है उनके मैन्युफैक्चर करता है वो कंपनी है। उसी प्रकार ये जो मैकडोनल्ड डुगलास लिखा है वो भी एक सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम मैकडोनल्ड डुगलास के जो जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैकडोनल्ड डुगलास एविएशन मैन्युफैक्चर कंपनी है उसके बारे में बता देता हूँ। मैकडोनल्ड डुगलास का ये जो लोगो है वो आप अभी देख रहे होंगे, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 28 अप्रैल 1967, इस दिन ये मैकडोनल्ड डुगलास कंपनी का फाउंडेड हुआ था। और ये कंपनी US बेस्ड मैन्युफैक्चर कंपनी है, अमेरिका, यहाँ यूनाइटेड स्टेट में ये कंपनी का फाउंड हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो बेकरली, मिसौरी, US। जी हाँ, ये US में बेकरली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी ज़्यादा जानकारी आपको दूँ तो एक महत्व की बात है कि ये जो मैकडोनल्ड डुगलास कंपनी है वो 1 अगस्त 1997 को वो बोइंग मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ मर्ज हो गई थी। यानी कि जो मैकडोनल्ड डुगलास कंपनी है वो बोइंग कंपनी में शामिल हो गई थी 1997 में। तो मैकडोनल्ड डुगलास कंपनी के बारे में आपको बता दिया। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं उसके पहला एयरक्राफ्ट DC-8। जी हाँ, मैकडोनल्ड डुगलास DC-8, ये एक नैरो बॉडी एयरलाइनर है। और इस प्रकार के कुल कितने प्लेन बनाए गए थे? तो 556 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे। और उसमें से अभी करंटली सिर्फ 2 ही एक्टिव है, 2 ही सर्विस हैं, बाकी सब रिटायर हो चुके हैं। और इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो डुगलास कंपनी ने इसका मैन्युफैक्चर किया था 1958 से लेकर 1967 तक। और इसके बाद 1967 से 1972 इतने साल मैकडोनल्ड डुगलास ने किया था, और पहले डुगलास एयरक्राफ्ट कंपनी ने किया था, समझ रहे हो। इसके बाद बात करते हैं DC-8 की फर्स्ट फ्लाइट कब ली गई थी। 30 मई 1958, 30 मई 1958 को इसकी फर्स्ट फ्लाइट ली गई थी। इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 18 सितंबर 1959 को डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस, ये दोनों एयरलाइन के साथ इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1959 में। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 1958 से 1972 तक इसका प्रोडक्शन हुआ था। इसका अभी स्टेटस देखने जाए तो कुछ कार्गो एयरक्राफ्ट में इसका शामिल सर्विस चालू है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2 ही एयरक्राफ्ट अभी सर्विस में है। इसके प्राइमरी यूजर की बात करें तो यूनाइटेड एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइंस और UPS एयरलाइंस, ये 3 इसके प्राइमरी यूज़र रहे हैं। इसके वेरिएंट्स की बात करें तो वेरिएंट्स यानी कि उसके अंदरूनी कितने प्रकार थे, DC-8 के कितने प्रकार थे, तो सीरीज 10, 20, 30, 40, 50, सुपर 60 और सुपर 70, इतने सारे उसके वेरिएंट थे। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी यानी कि इस प्लेन में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो 269 पैसेंजर्स इसमें एक साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अगले मॉडल की बात करें, अगले एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो है DC-9, मैकडोनल्ड डुगलास DC-9। ये भी एक नैरो बॉडी जेट एयरलाइनर है। नंबर ऑफ व्हील की बात करें तो 976 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, और उसमें से सिर्फ 32 यानी कि 32 एयरक्राफ्ट अभी सर्विस में है, जो अभी काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर की बात करें तो डुगलास एयरक्राफ्ट कंपनी और मैकडोनल्ड डुगलास, ये दोनों ने उसका साथ में किया था। फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो 25 फरवरी 1965, जी हाँ 25 फरवरी 1965 में इसका फर्स्ट फ्लाइट लिया गया था। और इंट्रोडक्शन की बात करें तो 8 दिसंबर 1965 में
डेल्टा एयरलाइंस के साथ इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। और प्रोडक्शन की बात करें तो 1965 से लेकर 1982 तक इसका प्रोडक्शन किया गया था। स्टेटस की बात करें तो 32 एयरक्राफ्ट अभी सर्विस में है। इसके प्राइमरी यूज़र की बात करें तो यूएसए जेट, ये एक एयरलाइन कंपनी है, एरोनोस, ये एक एयरलाइन कंपनी है, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन और डेल्टा एयरलाइंस, ये चार उसके प्राइमरी यूज़र रहे हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो सीरीज 10, 20, 30 और 40, ये चार उसके वेरिएंट्स रहे। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स के आधार पर 80 to 135 पैसेंजर एक साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हुए तीसरे एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो है मैकडोनल डुग्लास DC-10। जी हाँ, ये एक वाइड बॉडी एयरलाइनर है। इसके मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैकडोनल डुग्लास, जो सबसे पहले जो मर्जर कंपनी बनी थी, उन्होंने इसका मैन्युफैक्चर किया है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट ली गई थी 29 अगस्त 1970 में। जी हाँ, 1970 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट ली गई थी। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 5 अगस्त 1971, 5 अगस्त 1971 में अमेरिकन एयरलाइन के साथ इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 1968 से लेकर 1988 तक इसका प्रोडक्शन किया गया था। इसका कितने प्रकार के प्लेन बनाए गए थे? जी हाँ, तो इसमें मेनली दो टाइप से, पहला तो DC-10 जिसके 386 प्लेन बनाए गए थे, और दूसरा है KC-10। ये KC-10 क्या है? तो वो एक टैंकर है। इस प्रकार ये KC-10 के 60 प्लेन्स बनाए गए थे, और ये दोनों को मिलाकर ये जो DC-10 सीरीज है उसमें से सिर्फ अभी 50 ही एयरक्राफ्ट सर्विस में है जो कार्गो में और टैंकर में यूज़ हो रहे हैं। इसके प्राइमरी यूज़र की बात करें तो फेडेक्स एयरप्रेस, TAB कार्गो और ऑर्बिस इंटर, ये तीन इसके प्राइमरी यूज़र है। इसके वेरिएंट्स तो कई सारे हैं, 10, 10CF, 15, 30, 30CF, 30ER, 30AF, 40, 20, 50 ट्वीन, एयर टैंकर अपग्रेड और KC-10 एक्सटेंडर, इतने सारे उसके वेरिएंट्स हैं। और इसके सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो जो DC-10 यानी कि दूसरे उसके वेरिएंट्स से टैंकर के अलावा, तो 270 270 जितने पैसेंजर एक साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया DC-10 सीरीज के एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों अभी हम अगले एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो है मैकडोनल्ड डुग्लास MD-11। जी हाँ, ये भी एक वाइट बॉडी जेट एयरलाइनर है। इसके मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसका प्रोडक्शन हुआ था 1988 से 2000 तक। जी हाँ, 2000 साल तक। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 1988 से 1997 तक मैकडोनल्ड डुग्लास ने इसका प्रोडक्शन किया था, मैन्युफैक्चर किया था। और 1997 के बाद 2000 तक यानी कि 3 साल तक बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स कंपनी यानी कि जो बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है उन्होंने उसका प्रोडक्शन किया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो 10 जनवरी 1990, जी हाँ 1990 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट ली गई थी। और इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 20 दिसंबर 1990 यानी कि 20 दिसंबर 1990 में फिन एयर एयरलाइंस जो कंपनी है फिन एयर, उसके साथ इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। इसके स्टेटस की बात करें तो कुल इस प्रकार के 200 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, और उसमें से काफ़ी सारे यानी कि 123 एयरक्राफ्ट अभी सर्विस में है जो कार्गो है। इसके प्राइमरी यूज़र की बात करें तो फेडेक्स, जो एक बहुत बड़ी कार्गो कंपनी है, लुफ्थांसा, वो भी एक बड़ी कंपनी है, UPS जो भी एक बड़ी कार्गो कंपनी है, और वेस्टर्न ग्लोबल, ये भी एक कार्गो कंपनी है। तो इन ये जो चार है उसके प्राइमरी यूज़र रहे हैं। इसके वेरिएंट्स की बात करें तो 11, 11C, 11CF, 11ER, 11F, 11BCF, 12 जो डेवलप नहीं हुआ है, और XX जो अनडेवलप्ड है, ये दोनों उसके डेवलप नहीं थे। ये जो इसमें वेरिएंट आया ना 12, जो अनडेवलप्ड बताया गया था MD-12, इसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको नज़दीकी दौर में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो MD-11 में 350 से 440 तक पैसेंजर एक साथ ट्रैवलिंग कर सकते थे। तो दोस्तों अभी हम हमारे आज के वीडियो के लास्ट सेकंड एयरक्राफ्ट मॉडल के बारे में बात करें तो वो है मैकडोनल्ड डुग्लास MD-80 सीरीज़। जी हाँ, 80 सीरीज़, ये एक नैरो बॉडी जेट लाइनर है।
इसका मैन्युफैक्चर किसने किया था? तो मैकडॉनल्ड डुग्लास, बोइंग और SAIC, ये जो टीम मैन्युफैक्चर कंपनी है उन्होंने इसका मैन्युफैक्चर किया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो 18 अक्टूबर 1979, इसका 1979 में फर्स्ट फ्लाइट लिया गया था। और इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 10 अक्टूबर 1980, 10 अक्टूबर 1980 में स्विस एयर के साथ इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। इसका प्रोडक्शन किया गया था 1979 से लेकर 1999 तक। जी हाँ। और इसके स्टेटस की बात करें तो इस प्रकार के कुल 11,091 1191 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, और उसमें से सिर्फ अभी 404 सर्विस में है। और प्राइमरी यूज़र की बात करें तो लेसर एयरलाइंस, एरोनियस एयरलाइंस, वर्ल्ड एटलांटिक एयरलाइंस और बल्गेरियन एयर चार्टर कंपनी, ये चार उसके प्राइमरी यूज़र है। इसके वेरिएंट्स की बात करें तो MD-ET सीरीज़ है, तो उसमें वेरिएंट्स होंगे 81, 82, 83, 87, 88, 80 एडवांस, 89, 89X, 90X और 9D जो अनडेवलप्ड रहा है। इसके सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो डिफरेंट वेरिएंट्स के मुताबिक इसमें 80 से 135, जी हाँ 80 to 135 इसकी सीटिंग कैपेसिटी रही है। तो दोस्तों अभी हम हमारे 2021 के हमारे चैनल के पहले वीडियो और हमारी चौथी सीरीज के पहले वीडियो के आखिरी एयरक्राफ्ट मॉडल की बात करें तो वो है DC-90 सीरीज़। ये एक नैरो बॉडी एयरलाइन है। और इसके मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैकडॉनल्ड डुग्लास और बोइंग, इन दोनों ने साथ मिलकर इसका मैन्युफैक्चर किया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो 22 फरवरी 1993, इसमें इसकी फर्स्ट फ्लाइट ली गई थी 1993 में। और इसके प्रोडक्शन सॉरी इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 1995 में डेल्टा एयरलाइंस के साथ इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 1993 से लेकर 2000 तक इसका प्रोडक्शन हुआ है। और इसके 116 प्लेन्स बनाए गए थे, उसमें से अभी 65 वर्किंग कर रहे हैं। और प्राइमरी यूज़र की बात करें तो डेल्टा एयरलाइंस, जिसके साथ इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस और स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, जी हाँ ये चार उसके प्राइमरी यूज़र है। उसके वेरिएंट्स की बात करें तो 10 10 EC, 20 30 30 EC, 30 IGW, 30 ER, 30 T, 30 EFD, 40 40 EC, 50 ER और 55, ये उसके वेरिएंट्स रहे। और इसके सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 153 to 172, जी हाँ ये इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, जितने पैसेंजर एक साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो 2021 का हमारे चैनल का पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और ना पसंद आया तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए, जी हाँ, और हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी आगे से आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी नए नए टाइप के वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना हमें मुझे सपोर्ट मिलेगा, और उतनी हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी, तो नए नए वीडियोज़ हम लाना सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किस प्रकार के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वो भी कॉमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी चैनल की लिंक और जो मेरी इंस्टाग्राम आई डी है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके उसे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे चैनल के जो नए अपडेट्स रहेंगे वो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2021 के लिए, और जय हिंद, वंदे मातरम।